हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, पिछले बहुत सारे वीडियो पे बहुत सारे भाइयों लोग का कमेंट आ रहा था कि डीजे का जो पार लाइट होता है उसका एक सेटिंग बताइए जो कि विदाउट डीएमएक्स को कैसे डीजे पार लाइट को ऑपरेट करें। यानी आप लोग का इस टाइप का कमेंट आ रहा था कि एक पार लाइट से जब हम 6 पार लाइट को कनेक्शन करें या 10 पार लाइट या 20 पार लाइट को कनेक्शन करें तो बिना डीएमएक्स के कैसे हम उसे एक कलर में ऑपरेट करें, और म्यूजिक पर भी ऑपरेट करना होगा तो कैसे सभी पार लाइट को एक कलर में ऑपरेट करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं कि बिना डीएमएक्स के कैसे आप लोग एक पार लाइट से अटैच करके 10 पार लाइट, 20 पार लाइट, जितना पार लाइट चाहेंगे आप लोग, तो एक ही कलर, एक ही म्यूजिक में उसे ऑपरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं PSTJ ब्लॉग नंबर 1। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी ये पार लाइट है, अभी तो ये ऑटोमेटिक मोड पर है जो कि जो इसका पार लाइट है सभी अलग अलग मोड पे काम कर रहा है। तो गाइस, इसका प्रोसेस यही है कि आप लोग को एक बात को ध्यान रखना है कि इस वाले पार लाइट को मेन बनाना है या उस साइड से मेन बनाना है। तो गाइस, आप लोग को यही बात को आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए, हम इस वाले पार लाइट को मेन बनाएंगे। मेन मतलब कि इसी पार लाइट से ऑपरेट सभी को कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेन बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि आप लोग को मेन्यू वाला ये बटन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेन्यू लिखा हुआ है। तो मेनू वाले बटन को आप लोग दबाइएगा तो यहाँ पे आप लोग को, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर D001 हो गया। तो ये D001 हो जाएगा तो इसका लाइट ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, जो कि आप लोग को आगे से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसका लाइट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बुझ गया। तो वैसे ही गाइस, आप लोग को दूसरे पार लाइट को भी मेनू से D001 पे कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी D001 पे हो गया। तो सभी का एक कलर में आप लोग को करना है। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर भी D001 पे, D001 पे कर लेना। तो चलिए गाइस, फटाफट से सभी लाइटों को D011 पे हम कर लेते हैं। तो इसको भी हमने D001 पे कर लिया। तो गाइस, D001 पे होने के बाद ही जितना भी पार लाइट रहेगा ऑटोमेटिक आपका पावर ऑफ हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। इसमें पावर आएगा लेकिन जो प्रोग्रामिंग है उसका बंद हो जाएगा। तो अब गाइस, क्या करना है आप लोग को, इस टाइप के यहाँ पर मेल और फीमेल वाला आप लोग को एक कोड लेना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं XLR कोड इसे हम बोलते हैं, जो कि एक साइड से मेल रहेगा और एक साइड से फीमेल रहेगा, जो कि एक दूसरे में ऐसे अटैच होता है। तो गाइस, आप लोग को ध्यान रखना है कि जब मेरा सभी पार लाइट का प्रोग्रामिंग D001 पे हो जाएगा तो सभी पार लाइट बुझ जाएगा। बुझने के बाद गाइस, अगर आप लोग चाहेंगे इस वाले पार लाइट को मेन बनाना तो इस वाले को भी बना सकते हैं, या उस साइड से बनाना चाहेंगे मेन तो उस साइड से भी बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम इसी साइड से मेन बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम इस वाले ही पार लाइट को मास्टर बनाएंगे, इसको ही केवल ऑपरेट करेंगे और सारा पार लाइट एक ही मोड में काम करेगा। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि जिस वाले पार लाइट को मेन बनाना है तो उसका आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा DMX इन और DMX आउट। तो गाइस, इस वाले का सिग्नल इस वाले में भेजना है। तो समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि जो इसका XLR का जो फीमेल पार्ट है इसको आप लोग को इसमें अटैच कर देना है, यानी जो मास्टर आप लोग बना रहे हैं, जिस पार लाइट को मास्टर बना रहे हैं उसका आप लोग को आउट लेना है। आउट मतलब DMX आउट, इसका सिग्नल इस वाले में भेजना है। तो इस वाले में जब जाइएगा तो इसमें आप लोग को क्या कर देना है, DMX इन में कन्वर्ट कर देना है, यानी इसका जो मास्टर बनाएंगे इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा। तो इसी तरह से अब चैन रिएक्शन चलता जाएगा गाइस। तो अब इसका आउटपुट क्या करना है, अगले वाले मास्टर, अगले वाले पार लाइट में आप लोग को इनपुट में लगा देना है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें इनपुट में इस तरह से अटैच कर दिया। तो ऐसे ही दोस्तों, आप लोग को बारी बारी से सभी पार लाइट में भी कर लेना है। अब देखिए गाइस, यहाँ से भी हम आउटपुट लेंगे, अब इसका सिग्नल इसमें भेजेंगे तो इसका भी हम आउटपुट लेंगे और इसका भी यहाँ पर इनपुट हम इस टाइप से कर देंगे। तो इसका भी इनपुट हो गया। सिंपली गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ई वाले पार लाइट को हमने मेन बनाया, यानी इसको मास्टर बनाया। इस वाले को केवल हम मेनू से बदलेंगे तो इसका सारा का एक ही कलर में ये सारा कोई चेंज होगा। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आउटपुट, यानी ये मेन वाला है, इसका आउटपुट हम इसमें इनपुट में डाले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये इनपुट लिखा है और इसका आउटपुट
उसके इनपुट में गया है और उसका आउटपुट उसके इनपुट में गया है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है गाइस कि अगर आप लोग एक पार लाइट के बारे में समझ जाएंगे तो सारे पार लाइट को एक ही में कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये DMX आउट है और इसको इनपुट में डालें। तो ऐसे ही तीसरे पार लाइट को भी उसमें कनेक्शन करना है। तो चलिए गाइस अब हम इसका कलर बदलते हैं और कलर बदल कर चेक करते हैं कि कैसा इसका देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर ये मेनू है, इस मेनू वाले बटन को केवल एक को यहाँ पर दबाएंगे तो सारा पार लाइट है सभी वहाँ पे फोकस करेगा। तो गाइस वहाँ पे देखिए ये D001 पे है, इसका जैसे ही कलर बदलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये कलर चेंज हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारा पार लाइट एक ही मोड में कर रहा है काम, जो कि यहाँ से केवल हम एक वाले पार लाइट को चेंज किए हैं। तो गाइस यहाँ पर फिर से हम बदलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कलर इसका चेंज होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि अभी जितना भी पार लाइट है सभी एक कलर में बूत रहा है और सभी एक कलर में ये धीरे धीरे करके जल रहा है। तो गाइस इस टाइप से बिना DMX के आप लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं सभी पार लाइट को। मैंने 6 पार लाइट को इसमें अटैच किया है, अगर आप लोग चाहेंगे तो 10 पार लाइट को भी इसी तरह से चैन रिएक्शन कर सकते हैं। यानी जो पहले वाले का जो पार लाइट का आउटपुट होता है दूसरे पार लाइट के इनपुट में डालना होता है, फिर दूसरे पार लाइट का आउटपुट होता है तीसरे पार लाइट के इनपुट में डालना होता है। तो इस टाइप से एक कनेक्शन होता है। तो आप लोग इस कनेक्शन के माध्यम से विदाउट DMX का आप लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं पार लाइट को, चाहे 10 पार लाइट हो, चाहे 20, चाहे 30, जितना भी आपके पास रहेगा सभी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो रहा विदाउट DMX का ऑपरेट कैसे करेंगे। अब गाइस आप लोग को दिखाएंगे कि म्यूजिक पे इसे कैसे सेट करेंगे कि म्यूजिक पे थोड़ा सा भी म्यूजिक बजे तो अपने हिसाब से ये अपना कलर चेंज करता रहे सभी पार लाइट। तो इसका कनेक्शन सब वहीं रहेगा बट यहाँ से केवल ये चेंज होगा। तो देखिए गाइस म्यूजिक पे चेंज करने के लिए यहाँ पर एक इसका मोड आता है जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पे BEBE पे करना होगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं कि BEBE पे हो गया है। तो अभी ये कलर है, देखिए जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर ताली बजाएंगे तो यहाँ पर कलर चेंज होगा। सुनिएगा आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इसका साउंड आ रहा है देखिए, तो गाइस ये ताली के काम कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर ताली हम बजा रहे हैं तो ये जो पार लाइट है सभी एक ही पार लाइट में काम कर रहा है, और जो भी हम बोल रहे हैं तो मेरा साउंड क्वालिटी भी सुनकर ये पार लाइट अपने आप ही ऑटोमेटिक कलर बदल रहा है जो मेरा वॉइस ये सुनकर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब ये म्यूजिक पे काम करेगा, जब यहाँ पर साउंड काफ़ी तेज़ आवाज़ में बजेगा तो ये बिल्कुल ही तेजिंग रनिंग करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे हम ताली बजाएंगे तो ये अभी वाइट में है, अभी रेड में हो गया मेरे वॉइस सुनकर। तो देखिएगा तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ताली पे काम कर रहा है। यानी मेरा सारा पार लाइट जितना भी है अभी म्यूजिक मोड पे हो गया है। यानी जैसा साउंड क्वालिटी यानी जैसा गाना बजेगा उसके म्यूजिक के अनुसार से ये पार लाइट अपना रनिंग कलर चेंज करता रहेगा। तो गाइस इसका सभी का कनेक्शन ये है कि जो आप लोग इस वाले को आप मास्टर बनाएंगे तो सभी पार लाइट ऑटोमेटिक काम करेगा। अभी मेरा ये वॉइस सुनकर ये काम करे, अभी हम चुप हो जाएंगे तो एक ही कलर में चुप हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा रुक चुका है ग्रीन कलर में। जब इसके पास से हम जाकर बोलेंगे तो ये मेरा साउंड सुनेगा तो ऑटोमेटिक ये तेज़ होता रहेगा, जो कि आप लोग देखिएगा देख सकते हैं ये काफ़ी तेज तरीके से रनिंग कर रहा है। तो गाइस ये रहा म्यूजिक मोड। तो बाइसन के पार लाइट में आप लोग को ध्यान रखना है कि BEBE मोड पर होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नज़दीक से आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे, ये है BEBE। तो बाइसन का पार लाइट में यही वाला मोड होता है, BEBE मोड पे कीजिएगा तो म्यूजिक मोड में आपका सारा पार लाइट हो जाएगा, जो कि सारा पार लाइट का कनेक्शन इस टाइप से होगा। और गाइस आप लोग चाहेंगे तो इसे और भी मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं रनिंग ये चुक चाक वाला हो गया, जो कि काफ़ी ये तेज ब्लास्ट अतु करेगा, बार्गेनिंग करेगा, तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग को यहाँ पर केवल यही समझाना था कि सारा पार लाइट को एक ही में अटैच कैसे किया जाता है, एक पार लाइट को मास्टर बनाकर 6 पार लाइट या 10 या 20 या 30 सभी को कैसे अटैच किया जाता है। तो गाइस आप लोग को लास्ट में एक बार फिर से इसका कनेक्शन दिखाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर D001 पे है, और गाइस यहाँ पर मेरा दूसरा भी पार लाइट D001 पे है, और यहाँ पर मेरा तीसरा भी पार लाइट D001 पे है। तो यानी सभी पार लाइट को आप लोग को सबसे पहले कर लेना है इसके अंदर लाइन देकर D001 पे कर लेना है, और D001 पे करने के बाद
जब जिस पावर लाइट को आप लोग मेन बनाएंगे यानी मास्टर बनाएंगे उसका आउटपुट इसके इनपुट में देना होगा और फिर इसका आउटपुट उसके इनपुट में देना होगा। दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और गाइस बहुत सारे भाई लोग का जो कमेंट आ रहा था कि डीजे का पावर लाइट होता है उसका एक ही में कनेक्शन कैसे करेंगे, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि एक पावर लाइट से दो पावर लाइट तीन पावर लाइट जितना मन चाहे आप लोग उतना पावर लाइट को एक ही में कनेक्ट करके विदाउट डीएमएक्स को रन कर सकते हैं, जो कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस और इसका नॉलेज बताएं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो के एक लाइक का बटन उसे ठोक दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है या जानकारी लेना हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग का कमेंट का आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।